आज के इस वीडियो में हम रूट टू को और रूट थ्री दोनों को नंबर लाइन पे लोकेट करना सीखेंगे, ठीक है। तो देखो, रूट टू का जो मान होता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है, वो आप याद करके रखो कि 1.414 होता है, और रूट थ्री का 1.732 होता है, ठीक है। देखो, जब इन दोनों को ड्रा करने के लिए हम पैथागोरस थ्योरम का हेल्प लेते हैं, ठीक है। देखो, अगर डायरेक्ट 1, 2, 3 नंबर होता तो ये इंटीजर होता, हम इनको लोकेट कर देते हैं, और रेशनल नंबर को कैसे लोकेट करना वो भी हमें आता है। अगर नहीं आता तो मैं एक नया वीडियो बना के डाल दूंगा उसका भी। और रूट टू को लोकेट करने के लिए पैथागोरस के थ्योरम का कैसे यूज करते हैं ये हम सीखेंगे। देखो, इसको अगर हमको जो चीज़ लोकेट करना है उसको हमको हाइपोटेनियस पे लाना होता है, तो यहाँ पे किसी तरह हमको रूट टू लाना है। तो देखो, रूट टू कब लाया जा सकता है, जब हम इसका मान 1 रख ले और इसका भी मान 1 रख दे, और हम पैथागोरस थ्योरम लगा दे अपना। क्या लगा दे, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, ठीक है। अगर हम ऐसा करेंगे तभी हमारा रूट टू आ पाएगा। देखो, हमको यहाँ पे रूट टू लाना है, मतलब रूट टू का स्क्वायर लाना है। तो ए बी का मान अगर हम 1 का स्क्वायर कर दे और बी ओ का मान 1 स्क्वायर कर दे, तो ऑटोमेटिक इसके बराबर आ जाएगा, है ना। इसलिए हमने यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 1 रखा, ताकि यहाँ पे रूट टू आ जाए। अब देखो, इसको ड्रा कैसे करना है, हमको ड्रा ही करना मेन कंसेप्ट है। देखो, अब हमको यहाँ पे जो 0 दिख रहा है ये हमारा ओरिजिन है। अब 0 से देखो हमारा ओ बी कितना है, ये हमारा 1 यूनिट है, तो यहाँ से हम 1 यूनिट अपना ले लेंगे। 0 से 1 यूनिट ये है, तो इसको हमने क्या किया, ड्रा कर लिया 1 यूनिट, और 1 यूनिट हमको 90 डिग्री बनाना है। तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चाहो तो आप ये प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हो, चाहे कंपास का, जिससे आपको अच्छा लगे। आपको सिर्फ 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। जैसे ही आप 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाओगे, और बनाने के बाद आपको क्या करना है, 1 यूनिट का कट कर लेना है। चलो, हम इसको डॉट डॉट लाइन से दिखा दे रहे हैं, ठीक। अब देखो, 1 यूनिट कट करना है, क्योंकि हमने ये तो 1 ले लिया, लेकिन हमको ये हाइट भी 1 लेना है। तो 1 लेने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से 1 यूनिट अपना मार्क कर लेंगे। तो ये पॉइंट हमको मिल गया बी, और ये पॉइंट मिल गया ए, ठीक है। अब इसको जैसे ही हम यहाँ से इसको जोड़ देंगे, और ये पॉइंट देखो हमको क्या मिल गया, रूट टू मिल गया। और इसी जो हमारा ये जो लाइन है, रूट टू का जो डिस्टेंस है, इसी को हमको नंबर लाइन पे प्लाट करना है। तो इसको प्लाट करने के लिए क्या करते हैं, फिर हम इसको कंपास का यूज करते हैं। और 0 को हम क्या मानेंगे, ओरिजिन, और ए को क्या मानेंगे, ये रेडियस। ओ ए हम क्या ले लेंगे, रेडियस ले लेंगे। जैसे ही हम ओ ए को रेडियस लेंगे, देखो ऐसे लेने के बाद हम जस्ट 1 मिनट, अब ऐसे हम ऐसे अपना आर्क बना लेंगे। जैसे ही आर्क बनाएंगे, ये देखेंगे कि ये जो हमने लाइन ड्रा किया था ये कहाँ पे कट कर रहा है। ये जो कट कर रहा है ना, यही पॉइंट आपका क्या होता है, रूट टू होता है। या फिर आप पॉइंट से बना लो, और आप या फिर चाहो तो ऐसे लाइन से बना लो। ये जो डिस्टेंस हो गया, यही आपका हो गया रूट टू टोटल, ठीक है। इसी तरह ड्रा करते हैं। ये था रूट टू का कंस्ट्रक्शन। अब हमको रूट थ्री बनाना है, तो देखो उसके लिए क्या करेंगे। रूट थ्री के लिए क्या होता है कि देखो, रूट थ्री जब पैथागोरस का यूज करेंगे थ्योरम का, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे रूट थ्री लाना है। तो रूट थ्री लाने के लिए क्या करेंगे, अब हम बेस को देखो, ये यहाँ पे मान लो रूट टू और यहाँ पे 1, क्योंकि जब रूट टू का स्क्वायर करोगे 2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 और 3 रूट में, ये हमारा हाइपोटेनियस मिल जाएगा। तो इस केस में हम इसी को क्या मान लेंगे, अपना रूट टू को ही क्या मान लेंगे बेस, और यहाँ पे 90 डिग्री पे हम 1 यूनिट ले लेंगे, ठीक है। तो फिर से हम अपना प्रोटेक्टर का यूज कर लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या बना लेते हैं, 90 डिग्री बना लेते हैं। पॉइंट ए पे हम अपना 90 डिग्री यूज कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, जब हम इसको जोड़ देंगे तो इतना लगभग आएगा नहीं, और ये हमारा रूट टू हो गया। यहाँ से 1 यूनिट हम क्या करेंगे, अपना मेजर करके इसको कट कर लेंगे। 1 यहाँ पे हमने क्या किया, कट कर लिया। ये हमारा क्या हो गया, ये रूट टू हो गया, और ये हमारा रूट वन हो, ये 1 हो गया, 1 यूनिट। तो देखो, रूट टू और 1 हो गया। जब हम इसको ऐसे अपना जोड़ देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा,
ये जो मिल गया हमको, ये मिल गया √3। ठीक, अब इस √3 को क्या करेंगे हम, फिर से हमको इस नंबर ये अपने लाइन पे एक लाइन पे लाना है, तो यहाँ पे हम ओ पे ये रखेंगे और इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, डी दे देते हैं, और ओ डी को इस बार रेडियस ले लेंगे। जैसे उस बार ओ ए को रेडियस लिए थे, इस बार इसी तरह ओ डी को रेडियस ले लेंगे हम लोग, और फिर से ऐसे क्या करेंगे, आर्क बना देंगे। तो देखो कहाँ कट कर रहा है, जहाँ पे ये लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, इस वाले को, इस पॉइंट को बोल देंगे √3। या फिर अगर आप टोटल डिस्टेंस में मेजर करोगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा यही क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो √2 और √3 का स्टेप इसी तरह होता है कि हमेशा √3 ड्रा करने के लिए सबसे पहले आपको √2 को ड्रा ही करना पड़ेगा। ठीक है, और अभी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें √5 को लोकेट करूंगा, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। ओके, बाय बाय, और अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।